दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके मैक्सिमम स्कोर कैसे आ सकते हैं। अगर ये जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में, जो एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि कई कई बार पूछे गए हैं। अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं तो इस वीडियो को हर एक क्वेश्चंस पे आप पॉज करिए, अपना राइट आंसर एक नोटबुक में आप लिखिए, आपका फाइनल जो भी स्कोर बनता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज जरूर भेजिएगा। मैं उस पर आपको अपना फीडबैक दूंगा। अगर आपके स्कोर बहुत अच्छे आते हैं, 25 क्वेश्चंस में से आप 23, 24 अगर अटेम्प्ट करते हैं, इतना स्कोर अगर आप इस वीडियो में गेन करते हैं, तो चाहे तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मत भेजिएगा। लेकिन अब बात करता हूं मैं उन बच्चों की जिनका इंग्लिश के साथ 36 का आंकड़ा है, मतलब उनको इंग्लिश एक आंख भी रास नहीं आती, जिनको इंग्लिश से डर लगता है। रीजन कुछ भी रहा हो, उनका मीडियम हिंदी मीडियम था, एकेडमिक स्टडीज सारी उन्होंने हिंदी में करी है, या 11th 12th में उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था ही नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, कुछ करना चाहते हैं, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना चाहते हैं, एक अपनी पसंद की जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे इस समय आपको एक छोटा सा काम दूंगा, वो प्लीज आपको करना पड़ेगा। वो काम ज्यादा टफ काम नहीं है, वो काम है छोटा सा काम ये। जी हाँ बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज 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 नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। जो भी रूल मैं आपको बताने वाला हूँ इन 25 क्वेश्चंस में, कुछ ग्रामर के रूल होंगे, कुछ एंटोनिमस होंगे मतलब समानार्थी शब्द होंगे। जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप उसको नोट करिए, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करना प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलो मैं शुरू करता हूँ अपना आज का ये लेक्चर, ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब कि इसमें हमको इसने चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें तीन जो है वो रॉन्ग है और एक कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्पेलिंग वाला है। देखिए आप देख रहे हैं, वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, हमको फाइंड आउट करना है कि सही स्पेलिंग किसकी है, रजिस्टर की मतलब सही स्पेलिंग कौन सी है। ए बी सी डी चार ऑप्शन में से कोई एक हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में रजिस्टर की जो राइट स्पेलिंग होगी वो होगी ए, REGISTER। रजिस्टर हमारा क्या है इस समय राइट आंसर, राइट आंसर क्या है ए। हम रजिस्टर रजिस्टर बोलते हैं, बट अगर स्पेलिंग अगर हमको एग्जाम में वो पूछ ले और सभी स्पेलिंग वो आपको वो हमको ऐसी देगा कि वो हमको कंफ्यूज कर दे, तो इसलिए बच्चों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस स्पेलिंग को आप याद कर लीजिए, कुछ बेसिक स्पेलिंग होती है जो एग्जाम में पूछता है, जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिगरेट, सिगार, तो इस तरह की स्पेलिंग वो बेसिक ही पूछता है, मतलब बार बार रिपीट करता है, तो ये स्पेलिंग आप ढंग से याद कर लीजिए अगर नहीं आती है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 में काफी देखो इजी स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बेनिफिट। तो अगर आपको इसकी स्पेलिंग आती है तो आप इसको पॉज करिए, साइड में अपना आंसर लिखिए नोटबुक में, और मेरे उससे आंसर से आप टैली करिए। अगर राइट आंसर हो तो अपने आप को 1 नंबर देना, अगर रॉन्ग हो तो -1 कर देना। ठीक है, देखिए इसमें जो बेनिफिट की स्पेलिंग होती है वो होती है सी, ऑप्शंस हमारा राइट है, तो सी मतलब BENEFIT बेनिफिट, ये जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बेनिफिट की सही स्पेलिंग क्या होती है, BENEFIT बेनिफिट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगेन हमसे कह रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है हमको। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, जैसा आपका रियल एग्जाम होता है वही ऑरा
मैंने इस मॉक टेस्ट में लिया है, इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करा है। इसी तरह से सेम आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आएगा, फिर उसके बाद एक सेक्शन पार्ट टू का आएगा, उसमें आपको एंटोनिमस पूछेगा, पार्ट थ्री आएगा, हमको स्पॉटिंग एरर पूछेगा। तो सेम जैसे पैटर्न आपका एग्जाम में आता है, वही सेम मैंने इस वीडियो में लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे बोलता है आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या है, सही स्पेलिंग क्या है। तो आप अपना आंसर इसमें फाइंड आउट करिए, फाइंड करिए कि राइट आपका आंसर क्या है इसमें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है बच्चों, वो है सी, ARCHEOLOGY। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी। क्वेश्चन नंबर फोर, अब देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे पार्ट टू आ गया, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब इसमें क्या होता है, आपको एक बड़े से सेंटेंस जो दिया गया है, इसको सिंगल एक वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। इन शॉर्ट, सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि एक हिंदी में एक एग्जाम्पल होता है कि जो कभी ना मरे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमर। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उसमें हमको एक सिंपल एक बड़ा सा सेंटेंस देगा, उसको एक सिंगल वर्ड के साथ, एक सिंगल शब्द के साथ हमको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे कह रहा है, हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट इज टू बी। देखिए इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, वो आप पहले क्लियर कर लीजिए। इसमें बोला गया कि जब किसी व्यक्ति को लीगली, मतलब कानूनी तरीके से, इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए दिवाली का मतलब होता है कि कोई इंसान कर्ज चुकाने के लिए सहमत नहीं है। मतलब किसी इंसान ने कर्ज लिया, लेकिन कर्ज को जहां पे उसने पैसा लिया कर्जे का, वो सही जगह पे उसने लगाया, बट उसको वहां पर भी बेनिफिट नहीं मिला, तो वो कर्जा क्या होता है, वापस नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन हम उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट। ठीक है, दिवालिया। तो लीगली तरीके से जो डिक्लेयर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होता है बैंकक्रप्ट। सी, सी हमारा क्या होगा राइट आंसर। इसको नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को। जो भी न्यू एस्पिरेंट है, इंग्लिश के साथ पूरी ईमानदारी बढ़ती है, एक एक चीज को नोट करिए। आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा जब आप एग्जाम में जाएंगे एग्जाम देने के लिए। इन सब रूल को देखते हुए, इन सब रूल्स के साथ एग्जाम में अगर आप जाते हैं, तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर गेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमसे कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अगेन हमसे पूछ रहा है, ए पर्सन हु इज इजली हर्ट, ऐसा व्यक्ति जिसको छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी पिंच हो जाती हो, बहुत जल्दी हर्ट करती हो, उसको हल्का सा भी मजाक क्या होता है, काफी हर्ट करता है। किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया तो वो बात को क्या दिल से लगा के बैठ गया, इसका मतलब ये हुआ। तो उस व्यक्ति को हम बोलते क्या है, वो हमसे पूछ रहा है। तो हमको चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी, इसमें कोई एक आंसर हमारा राइट होगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, सिंसियर होता है हमारा लगनशील, सेंसिबल होता है समझदार, सी जो ऑप्शन सेन है, सेन होता है आपका निरोग, जिसको कोई रोग ना हो सके, मतलब जो इंसान स्वस्थ हो, और सेंसिटिव, काफी सेंसिटिव है रोग, हम बोलते हैं ऐसे, मतलब बहुत ही कोमल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मर्डर ऑफ ए किंग। तो मर्डर ऑफ ए किंग को हम क्या बोलेंगे, जो इंसान मतलब राजा का हत्या करने वाले को हम क्या बोलते हैं, हत्यारा। लेकिन नहीं, सबके लिए एक अलग अलग एक वर्ड दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, रेजिसाइड। देखिए, मैट्री मदर, मदर से बना है मैट्री, और फादर से बना है फ्रेट्रिसाइड। मदर के हत्यारे को हम बोलेंगे मैट्रिसाइड, और फादर के हत्यारे को बोलेंगे फ्रेट्रिसाइड। और जीनोसाइड होता है जो एक अधिक संख्या में किसी लोगों की हत्या करे, जनसंहार करे, मतलब एक सिंगल जाति का वैसे। ठीक है, जैसे किसी इंसान को किसी जाति से नफरत है, और उसने ठान लिया कि मैं इस जाति को, इस समाज से खत्म कर दूंगा, और वो जो भी उस जाति के पर्सन को देख रहा है उसकी हत्या कर रहा है, और काफी बड़ी मात्रा में हत्या कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे, जेनोसाइड।
क्वेश्चन नंबर सेवन में हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेवन हमसे कह रहा है, ए डिवाइस दैट काउंट स्टेप ए पर्सन टेक। एक ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं जब हम चलते हैं तो हमारे हर स्टेप को या हर कदम को वो क्या करता है, काउंट करता है, गिनता है। एक डिवाइस ऐसी होती है तो उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, वो हमसे इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए इसने हमको। तो ए जो है वो है लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम नापते हैं दूध की शुद्धता। बी पैडोमीटर, पैडो से बना है पैर, हमारे पैरों में काफी दर्द हो रहा है तो ये है पैडोमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा राइट आंसर है। बी सही आंसर है हमारा। सी क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से हम किसी वाहन की, किसी व्हीकल की स्पीड नापते हैं। बैरोमीटर से हवा का दाब। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी सभी ऑप्शंस की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट हमसे कहता है सॉरी, क्योर फॉर ऑल डिजीज, मतलब राम बाण दवा जो हर बीमारी को ठीक कर दे। क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी संजीवनी लेके आए थे, पूरा जो पहाड़ उनके हाथ में था तो उसमें क्या थी, संजीवनी बूटी थी। जब उन्होंने खाई तो वो जिंदा हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी रामबाण दवा जो हर बीमारी में काम आए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों पैनेसिया। ए पैंडेमोनियम होता है नॉइस डिसऑर्डर, और आपका ये पनोरमा होता है चित्रावली, और आपका ये पैनक्रियेटिक, ये होता है हमारा बॉडी का पार्ट जिसे हम आग्नेय बोलते हैं ना, बॉडी का पार्ट, तो ये वो वाला पार्ट है हमारा। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर। क्वेश्चन नंबर नाइन, इनोक्यूअस। तो इसका हमसे पूछ रहा है सिमिलर वर्ड, इस पे आप ध्यान देना बच्चों। ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना कि वो पूछे कुछ और बताओ कुछ और। तो आपको हर क्वेश्चंस में ऊपर ये चेक करना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, सेम अल्टरनेटिव पूछ रहा है, सेम वर्ड पूछ रहा है, या फिर हमसे एंटोनिमस पूछ रहा है। आप एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कई बच्चे ये ऊपर की स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं, उनको लगा सिनोनिमस पूछ रहा है तो आगे तीन चार क्वेश्चन सिनोनिमस के पूछेगा। बट हर तीन क्वेश्चंस के बाद अपने ऊपर की स्टेटमेंट जो क्या लिखी गई है वो आप चेक कर लेना क्वेश्चन पेपर पे। ठीक है, डिस्प्ले जो आपके आएगा कंप्यूटर का तो उसमें आप देख लेना टॉप में क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना। ऐसी माइनर सी गलती बच्चे काफी बार कर देते हैं एग्जाम में, तो मैं नहीं चाहता कि आप प्लीज ऐसी भी गलती करें। देखिए, इसका पूछा हमसे सिमिलर वर्ड, मतलब समानार्थी शब्द इसका क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हार्मलेस। सी जो है इसका राइट आंसर है, इनएक्टिव मतलब काफी सुस्त इंसान, काफी लेजी इंसान। और ये जो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रेडिकुलस, कई बार आपने ये चीज सुनी होगी रेडिकुलस। तो रेडिकुलस का मतलब जो एग्जैक्ट होता है वो क्या होता है, इसका पहले हमको हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसका राइट आंसर ढूंढ लेंगे इसमें। तो इसका बच्चों हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है बेतुका, भद्दा, और जो काफी मतलब सिली बातें करता हो एक्चुअली। ठीक है, मूर्खों वाली बातें करता हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिमिलर वर्ड जो होगा वो होगा ए, एब्सर्ड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल। इसका हमको सिमिलर वर्ड देखना है। ठीक है, तो इसका जो सिमिलर वर्ड होता है, इससे पहले तो हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए क्या है। इसका मीनिंग होता है शांत, शांत का चार ऑप्शन दिए गए हैं हमको। इसका सिमिलर वर्ड देखना है, साउंड नहीं हो सकता सिमिलर वर्ड इसका, नॉइजी नहीं हो सकता, सीरियस एक अलग एस्पेक्ट में जा रहा है हमारे पास, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इससे, डी से। क
ये इंसान कैसा है, काम कहते हैं ना, कूल कूल काम काम, कूल कूल काम काम मतलब शांत हो जा शांत हो जा। तो ट्रैंक्विल का सिमिलर वर्ड क्या है, काम, मतलब डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहता है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब ऐसा होता है कि जो इंसान अपनी मन से कोई काम करे, मतलब मस्ती में काम करे, जो उसका मन है वो करे, ठीक है, मन मौजी इसको बोलते हैं एमेच्योर। लेकिन इसका अपोजिट वर्ड हमसे पूछ रहा है, बच्चों ऊपर देखिएगा अपोजिट वर्ड लिखा हुआ है। हमको अपना जो माइंड का जो कंसेप्ट था अब तक सिनोनिमस का, वो हमको अब एक अलग ट्रैक में लाना है, मतलब इसका उल्टा पूछ रहा है। अब हमको इसके उल्टे के बारे में सोचना कि इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। जो बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं ना कॉम्पिटिशन की, तो वो ऐसी गलती करते हैं, मैं इसलिए आपको फोर्स कर रहा हूँ, ऐसी गलती आप मत करना। हर बार आप ऊपर देखेंगे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेशनल। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा 13 में। तो इसका जो राइट जो इसका मीनिंग होता है, इसका इसका मतलब होता है सही, सुसंगत। इसका उल्टा क्या होगा, इररिलेवेंट। रिलीवेंट का मतलब क्या होता है, सुसंगत, सेम, सही। तो इसके आगे आई आर लग गया, तो इसका क्या बन गया, अपोजिट बन गया। तो ये पर्टिनेंट का अपोजिट क्या होगा, इररिलेवेंट। तो इसका डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है डेलीकेट। डेलीकेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा। देखिए क्या होता है डेलीकेट का, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका एग्जैक्ट जो मतलब होता है, वो होता है बहुत ज्यादा कोमल। जैसे आप कोई बिस्किट खाते हैं ना, पार्ले जी 50 50, या फिर कोई भी बिस्किट लेते हैं आप, उसको आप इजिली क्या करते हो, ब्रेक कर सकते हो, उसको इजिली उसको तोड़ सकते हो। उसके लिए आपको किसी आरी की आवश्यकता, या किसी कैंची की आवश्यकता, या किसी चाकू की आवश्यकता नहीं होती। ये काफी सॉफ्ट होता है। तो डेलिकेट का मतलब काफी कोमल। कोमल का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, कोमल का अपोजिट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फीबल का मतलब होता है भोला भाला, और जो ये फ्रैगिल है, फ्रैगिल इसमें नहीं होगा, क्योंकि फ्रैगिल इसका एक्चुअली सिनोनिमस होगा, भंगुर बोलते हैं इसको। बट रोबस्ट जो है, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब काफी कठोर धातु, बहुत मजबूत। डेलिकेट कोमल, रोबस्ट का मतलब बहुत मजबूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखिए हमसे पूछ रहा है स्पॉट द एरर, स्पॉटिंग एरर। कोई एक पार्ट में हमारे पास एरर होगा ग्रामर के अकॉर्डिंग, वो हमको एक एरर देगा, और अगर कोई एरर पूरे सेंटेंस में ना हो तो हम ऑप्शन लगाएंगे डी। डी हमारा राइट आंसर होगा। बैंकिंग में हमसे वो 5 ऑप्शन देता है हमको, मतलब सेंटेंस को काफी लेंथी कर देगा, लेकिन एसएससी में केवल 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी डी। डी में भी आपको देगा 9 एरर, मतलब ए बी सी केवल इतना सा सेंटेंस देगा, उसी में हमसे पूछना चाहेगा कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक रूल है एग्जाम के, सब बच्चों को पता होने चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको आज पता चल गया कि बैंकिंग के उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, एसएससी में स्पॉटिंग एरर में केवल 4 ऑप्शन आते हैं, मतलब एसएससी का ग्रामर का एरिया बहुत ही छोटा है। वहां पे बस केवल आपसे बेसिक ही पूछा जाता है कि आपको ग्रामर का बेसिक रूल पता है या फिर नहीं पता, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 हमसे कह रहा है द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माय मदर अर्ली दिस मॉर्निंग। देखिए इस क्वेश्चंस में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, की को सब्जेक्ट मान सकते हैं, बट यहाँ पर की सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है बंच। बंच का मतलब गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। ये जो गुच्छा है ना, ये एक्चुअली सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे जो हैव की जगह पर आएगा हैज। कितना बेसिक रूल था देखो बच्चों, यहाँ पर बंच सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हैव लगा है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका हैज। सब्जेक्ट अगर आप कीज लेते हैं, कीज सोच के अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, रीड करते हैं, तो फिर आपके अकॉर्डिंग हैव ठीक होगा। आप डी 9 एरर लगा के अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे एग्जाम में बढ़ जाएंगे, बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी।
बहुत ही बेसिक रूल है, बंच बंच सब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये क्या है सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास हैव नहीं लगेगा। पार्ट बी में हमारे पास एरर है, तो पार्ट बी को आप ठीक करेंगे, हैव की जगह पर हैज यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कह रहा है वी ऑट सर्व अवर एल्डर्स इन द फैमिली, मतलब हमें अपने फैमिली में जितने भी एल्डर्स हैं उनकी हमको क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। देखिए इसमें एक रूल है ऑट के साथ, ये जो आपको ऑट दिया है इस ऑट के साथ ऑलवेज 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 मतलब हमेशा 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 क्या आता है, टू आता है। ऑट कभी भी अकेला किसी भी सेंटेंस में नहीं आएगा। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे नॉवल पढ़ें, कोई स्टोरी पढ़ें, कहीं पर भी अगर आप ऑट देखते हैं ऑट के साथ आपको हमेशा टू मिलेगा। तो आप ये याद कर लीजिए ऑट के साथ टू क्या है, फ्री है, एक बोनस है। तो इस टाइप के बेसिक एरर भी वो एग्जाम में पूछता है, तो पार्ट ए में क्या है हमारे पास एरर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे आपको, क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा गुमराह करना चाहता है। क्रैकिंग डिफिकल्ट एग्जाम्स लाइक एसएससी सीजीएल एंड बैंक पीओ नीड केयरफुल प्लानिंग, डी नो एरर। अगर ये एरर नहीं है सेंटेंस में तो आप डी चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ भी हमको अगेन एक रियल सब्जेक्ट क्या है वो फाइंड करना है पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा एसएससी सीजीएल, ये बैंक पीओ ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है वो है क्रैकिंग, जैसे बंच हमारा पिछले क्वेश्चन में था ना रियल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है क्या है, क्रैकिंग है। और क्रैकिंग क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब। तो ये ट्रिकी कुछ चीजें होती हैं, ग्रामर के रूल काफी ट्रिकी हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम आपको ये सभी ट्रिक बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए क्रैकिंग क्या है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जरा चेक करिए ये जो नीड है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर है या फिर प्लुरल है, सबसे पहले आपको ये पता करना है। कॉमन सी बात है, ये दे रखा है इसने प्लुरल, तो हमको बनाना है ये क्या सिंगुलर। सिंगुलर कैसे बनेगा, जब इसमें एस यहाँ पे हम जोड़ देंगे, नीड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे नीड्स। तो पार्ट बी हमारा क्या होगा, पार्ट बी में हमारा एरर होगा, हम यहाँ पे एस लगाते ही इस पूरे सेंटेंस को राइट बना देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर, रमेश मोहन एमएलए है कहाँ के, कानपुर के, ये तो सही है। फिर इसमें क्या है एरर जो है बच्चों, वो है आर्टिकल को लेकर के, आर्टिकल को लेकर के इसमें एरर दिया गया है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर बी पार्ट में जो लिखा है एमएलए, ये जो एम है एम में आप चेक करिए वॉवल, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जिनका इंग्लिश काफी स्ट्रांग है स्कोर ज्यादा करते हैं, इतना हिंट मेरे अकॉर्डिंग उनके लिए काफी होगा, वो इसका सही आंसर अब तक निकाल चुके होंगे। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे फ्रेशर हैं तो वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए वॉवल होते हैं हमारे AEIOU, ये जो वॉवल होते हैं इनसे पहले हमेशा आर्टिकल एन का यूज होता है। ये ए के साथ में क्या लगेगा, एन, AN, एक आर्टिकल ए हो गया, दूसरा आर्टिकल क्या होता है एन होता है, तो सेकंड आर्टिकल जो एन है वो कहाँ का लगता है, वो लगता है वॉवल्स के साथ में। तो यहाँ पे आप चेक करिए एम, आप बोलेंगे एम, तो ये जो एम बोला है आपने एम में ए वॉवल आया है, स्टार्टिंग का जो वॉवल ए है तो ए का साउंड हमको सुनाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पर एन का यूज होगा। तो यहाँ पे बी पार्ट में क्या है हमारे पास एरर होगा। अब देखिए आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको एमएलए देगा, तो आपको यहाँ पे साउंड पे थोड़ा सा फोकस करना है, जैसे एमबीए कौन सा आर्टिकल आएगा, एमबीए में एम क्या आ रहा है, आर्टिकल एन का यूज होगा यहाँ पे, एन एन का यूज होगा। जैसे एमबीबीएस, एम में बोले आपसे, एक्सरे बोले, एक्सपी बोले, तो इन सभी में क्या आ रहा है वॉवल का साउंड आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज होगा। तो पार्ट बी में क्या था हमारे पास एरर था। बहुत ही बेसिक रूल था ये, क्वेश्चन
कुछ बच्चों को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इन सभी रूल को ध्यान से लिखिए, नोट करिए। मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड नॉट कैच ए कोल्ड। देखिए, सबसे पहले तो देखो इसका जो मीनिंग है, मीनिंग इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो लेस्ट दिया गया है, LEST, लेस्ट, लेस्ट जो है खुद में एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि गर्म कपड़े पहन लो ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोल्ड हो जाए। देखिए, इस लेस्ट को लेकर के दो बनते हैं रूल। एक रूल तो ये है कि इसके साथ हमेशा शुड का यूज होता है, शुड यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, एक रूल फुलफिल हो रहा है। सेकंड रूल लेस्ट के साथ ये होता है कि इसके साथ कभी भी नेगेटिव, मतलब नॉट, नेवर, नो कभी यूज नहीं होगा जहां पर ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने पार्ट सी में नॉट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर होगा वो क्या होगा, पार्ट सी में हमको एरर मिलेगा, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। सिंपल हम बोलेंगे, वियर समथिंग वार्म लेस्ट यू शुड कैच ए कोल्ड, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये रूल समझ में आ रहे होंगे, इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे, एक ही रूल को सीख रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा होगा। अभी नहीं बढ़ेगा, कुछ टाइम बाद जरूर बढ़ेगा, जब आप इस चैनल के सभी ग्रामेटिकल स्पॉटिंग एरर वाले जितने भी वीडियो हैं ध्यान से देखेंगे, सारे रूल लिखेंगे, उस रूल को याद करेंगे, जब आप खुद अकेले में पूरा कम्प्लीट एक मॉक टेस्ट देंगे, उसमें जब आप नंबर गेन करेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस जरूर जरूर बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 हमसे कहता है, आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गोन। तो इस किसी एक पार्ट में एरर है, अगर एरर ना हो तो हम लोग ऑप्शन डी को चूज करेंगे, मतलब नो एरर। देखिए, यहाँ पर भी जो रूल अप्लाई हो रहा है वो काफी बेसिक रूल अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा है मनी से संबंधित, ठीक है। मनी जो होता है हमारा, मनी हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर वो बात करे कॉइन की, नोट की, ठीक है, वो हमारा सिंगुलर या प्लुरल कुछ भी हो सकता है, बट आपको एग्जाम में मैक्सिमम वो मनी वर्ड का यूज करेगा। स्पॉटिंग एरर में ध्यान दीजिएगा, मनी, मनी हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट सी में आप देख रहे हैं हैव, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, हैज, HAS, हैज, ठीक है। तो पार्ट सी में हमारे पास क्या था, एरर था, क्यों, क्योंकि मनी क्या होती है, सिंगुलर होती है। कितना बेसिक रूल बच्चों, ये देखो, है ना, आप ये रूल लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहता है कि अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, वन के बाद जो नाउन आती है वो नाउन हमेशा क्या होती है, प्लुरल होती है, क्योंकि हम अनेक में से एक को चुनते हैं, एक में से एक को चुनने का कोई सवाल नहीं बनता, कोई ऑप्शन नहीं है वहां पर, लेकिन हम अनेक में से हम केवल किसी एक को चूज करते हैं, तो यहाँ बहुत में से एक की बात करी गई है। तो पार्ट बी में जो है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे होगा प्लुरल, राजाओं में से वो एक राजा अच्छा था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, किंग्स आएगा, यहाँ पे आएगा एस, तो पार्ट बी में क्या होगा, हमारे पास एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग चाइल्ड। देखिए, इसमें क्या होता है, देखो, एक होता है सिंक, एक होता है ड्रॉन। सिंक और ड्रॉन दोनों का मतलब होता है सोखना, सोखना मतलब देखो डूबना, ठीक है। देखो, जो हमारा सिंक यूज होता है वो होता है जिसमें लाइफ ना हो, अगर कोई वस्तु वो डूब रही है जिसमें लाइफ नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे सिंक। अगर किसी वस्तु के अंदर लाइफ है और वो पानी में डूब रही है तो वहां पे यूज करेंगे ड्रॉन। तो ये तो सही यूज करा गया है, बच्चे में जान है, जीवित है, ठीक है, एक लिविंग थिंग्स है वो, तो यहाँ पे तो ये वर्ड यूज सही करा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एरर है। वो एरर क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ बच्चों। जैसे उसने यहाँ पर ये बोला है, सिंपल अगर हम इसका हिंदी में मीनिंग निकालेंगे, इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी में मीनिंग ये होगा, उसने डूबते हुए
बच्चे को बचाने के लिए, जो बच्चा डूब रहा था उसको बचाने के लिए रिवर में छलांग लगा दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मूवमेंट, एक मोशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंग्लिश का रूल हमसे ये कहता है जहां पे मोशन हो, मूवमेंट हो, ठीक है, कोई अगर चलती हुई क्रिया हो रही है, ठीक है, उसे प्रेजेंट करने के लिए हम कभी भी इन का यूज नहीं करेंगे। वहां पर यूज होगा इंटू का। तो कौन से पार्ट में एरर है बच्चों? पार्ट बी में, यहाँ पर हमको एरर मिल गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है फिलर्स। अब एक नया पार्ट है, हमको एक सेंटेंस दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं, कोई एक ऑप्शन हमको फिल करना है। इस सेंटेंस को हमें एक सही रूप देना है, सही रूप जो इसका है वो हमको देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर हमको पता लगाना है कि प्रीपोजिशंस एग्जैक्ट यहाँ पर कौन सी आएगी। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ऑन, ऑन का यूज यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑन का यूज होता है सरफेस के सेंस में, लेकिन यहाँ पे दिया गया है हाउस। हाउस का मतलब एक एरिया, उसका एक पार्ट था, एक क्षेत्रफल है। ठीक है, उस पार्ट में वो लोग क्या कर रहे हैं, पुराने पार्ट में वॉक कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल वाले जहां भी कंडीशंस आए, तो वहां पे जो एप्रोप्रिएट होगा यूज जो सेंटेंस का होगा वो होगा अराउंड। तो पार्ट बी यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पे फिल होगा। हम बोलेंगे दे वॉक्ड अराउंड द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 24, आई शैल बी ऑब्लाइज डैश यू फॉर द हेल्प यू एक्सटेंडेड टू मी। इसका जो हिंदी मीनिंग है बच्चों वो है कि मैं आपका आभारी या ऋणी रहूंगा जो आपने मुझे हेल्प की थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, OBLIG, इसके बाद ऑब्लाइज के बाद हमेशा हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, कौन से वर्ड के बाद हम कौन सा यूज करते हैं वर्ड पर्टिकुलर। जैसे ऑट था पीछे, अभी क्वेश्चन हमने देखा वहां पे हमने ऑट के साथ टू यूज करा, तो यहाँ पे सेम कंडीशंस होगा, ऑब्लाइज के साथ हम लोग क्या करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस डैश 1914 एंड 1918। यहां पर क्या है, अगर दो संख्याओं को, बच्चों याद रखिएगा, दो संख्याओं को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो उस केस में ऑलवेज हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक नंबर, संख्या, कुछ भी आए, तीनों का अर्थ सेम था जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, अगर वो एंड से जुड़ रहे हैं तो सब, तो उनसे पहले क्या आएगा, बिटवीन का यूज होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। और जब ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग होता है हमेशा हमारे एक फिक्स, कोई अगर टाइम दिया हो तो उसके लिए। ठीक है, तो यहां से इस ईयर से इस ईयर को एंड से जोड़ा गया था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। तो बच्चों ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। यही सेम पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, इनका वेटेज जो है बहुत ज्यादा था एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी इसका वेटेज हो सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के रूल आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझको बताना, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना, आपके जितने भी फ्रेंड हैं कंपटीशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, आपको आने वाले आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।